हे गाइस, मेरा नाम सचिन है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पैरामेडिकल क्रैकर विद सचिन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीपी नेट के फॉर्म अगस्त के लास्ट महीने अथवा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हर साल निकले जाते हैं, जिसकी तैयारी हम आज से शुरू करें तो अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है और गवर्नमेंट सीट आसानी से हासिल की जा सकती है। इसमें हम डेली वाइज बायोलॉजी MCQ 15 MCQ अपलोड किए जाएंगे, जो कि मोस्ट आस्क क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, जिसके आप तैयारी या नोट्स के द्वारा आप नोट्स कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये MCQ स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरिस्टोटली या अरस्तु को कहा जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? जो कि कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस को, जो कि 370 से लेकर 287 BC पूर्व किया गया था। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, चौथे क्वेश्चन में सॉरी, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को। पांचवे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है विलियम हार्वे को। मैं आपको बता दूं, सारे MCQ जो हैं 15 MCQ दिखाए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 बार रिपीट किए गए हैं। तो हम आपको वही क्वेश्चन दिखाएंगे जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगले 6 क्वेश्चन पे आ जाती है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि कहा जाता है लुईस पाश्चर को। किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को। 8 क्वेश्चन पे आ जाइए, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाई ये किसने दिया था? ये टर्म बायोलॉजी था वो किसने दिया गया था? वो दिया गया था लैमार्क ने। तो लैमार्क ने दिया था, ये कब दिया था? 1744 से लेकर 1829। अभी लैमार्क थे, ये फ्रेंचिस नेचुरलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन किसने खोजा था? और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक भी थी जो कि खोजी गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। तो डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन किसने खोजी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और ये पेनिसिलिन खोजी गई थी उस बैक्टीरिया में खोजी थी स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कवर ऑफ डीएनए की डिस्कवर किसने की थी? जो की थी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ये दोनों भाई भाई थे, इन्होंने डिस्कवर की थी डीएनए की। और इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियोइड चेन्स होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट 12 का क्वेश्चन, इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप, ये स्कोप ही है वो माइक्रोस्कोप आएगा, जो कि खोजा गया था जेनसन एंड जैकेरिस जेनसन ने। ये भी दोनों भाई थे जो कि
गए थे 1590 में। तो जेनसन एंड जेकेरिस के द्वारा माइक्रोस्कोप की आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो कि हर बार पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक 1665 में खोजा गया था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने सेल को किया था, एक बुक का भी नाम था माइक्रोग्राफिया, तो जो बुक में पब्लिश किया गया था उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने खोजा गया था पहले, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो कि हॉलैंड के थे, 1683 में खोजा गया था। तो बैक्टीरिया की डिस्कवर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया जो कि हॉलैंड के थे 1683 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस किसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस जैन इंजेन हॉल। तो जैन इंजेन हॉल ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की गई थी। तो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को पैरामीडिकल क्रैकर को सब्सक्राइब कर देंगे, और हम आपके सीपी नेट के पेपर में आखिरी समय तक साथ रहेंगे। धन्यवाद।